ਨੇ ਆਖੋ ਨਾ ਭਾ ਬਲਣ ਦੀ ਬਲ ਵਣ मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ राजा रानी साहब। कौन नहीं बढ़िया है अक्सा बीबी। चिकन कढ़ाई तैयार कर दी है मां। फ्राइड वो होता है जो धोते हैं, ये फ्राई ये होता है जो हो। ओ बिस्मिल्लाह करा मेरे राजा रानी आ जाओ। आज पता नहीं कहाँ से मिल गया है। चल जाओ माशाल्लाह नहीं ले ओके हो गया, कुछ रह तो नहीं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भैया, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं, आप सब की दुआओं से अल्लाह पाक के फजल व करम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना मैं आया हुआ हूँ इधर बस्ती चौक, यहाँ से कुछ सामान लेना था, ये चेक करें। और इधर से अभी हम ले रहे हैं चिकन, आज जो है ना स्पेशल चिकन। भाई साहब बड़ी मुश्किल से मेरे साथ आए हैं, सुनाए ठीक ठाक हो? बिल्कुल। आज मौसम भी काफी अच्छा है और ये देखे बारिश का जो हालात है ना अभी भी इधर खराब है। और ये वाली चीजें लेनी थी, ये आ गई काली मिर्च साबुत और बैटल पत्ती और शैम्पू, ये चीजें लेनी थी। उसके बाद गैस भी भरवाना था, वो उधर दे दिया है। इंशाल्लाह जो भी सामान लेंगे इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। और उससे पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। बाकी सामान जो है सारा रेडी हो गया है, अभी जो है बाकी रह गई है दही, इधर से लेते हैं दही इस चौक से माशाल्लाह, दही ले के फिर चलते हैं घर। ये हो गई जी दही रेडी फाइनल। आओ जनाब पकड़ो, ये भी सारी चीज़ें पकड़ लोगे कि नहीं? अभी मोबाइल जेब में रखो और ये सारी पकड़ो। बस ओके हो गया, कुछ रह तो नहीं गया, चलो फिर चलते हैं। मजे की बात तो ये है हमारी बाइक की जो है ना क्लच वाली तार भी ख़राब हो गई है, धक्का लगा के फिर जाना पड़ता है आके। ये देखें मामू की कार है लेकिन मामू नहीं है, सुल्तान भाई लेके गया हुआ है। वेलकम बैक जी, पहुँच गए हैं घर और सिद्रा इधर मौजूद है। क्या कर रही हैं? मैं ये धुले हुए कपड़े उतार रही थी। अच्छा सारे कपड़े इकट्ठे कर रही हैं? सलाम दो कलम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और जो है ना दुआ फातिमा की तबीयत ठीक है माशाल्लाह से, बेहतर है। अभी कुछ खेल रही है अभी का अभी बेहतर है। हाँ अभी कुछ खेल रही है, जब से इंजेक्शन लगवा के आए हैं ना तो सो रही थी, अभी उठी है तो कुछ खेल रही है। सही, चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी जल्दी। ये सामान ले आए हैं हम माशाल्लाह, ये देखें गैस सिलेंडर भी भर गया और दही भी ले आए हैं, बाकी सामान ले आए हैं। और मामू जान देखें पुराना सा राइडो पता नहीं कहाँ से मिल गया है, चला रहे हैं ये चलता है। इसका एंटीना नहीं है ना, दस्ती एंटीना बना दिया है, दस्ती तार लगा के। सही, चलो वो मामी किधर गई है? हम तो वाइट कढ़ाई का सामान ले आए हैं, वो खैरात पे। फिर कौन बनाएगा? वो आ जाती है बन जाएगी कढ़ाई, बड़ी सी कढ़ाई भी है हमारे पास, कढ़ाई में कढ़ाई बनाएंगे। वाइट वाइट कढ़ाई बनानी है या दूसरी बनानी है? यार वाइट कढ़ाई मज़े वाली नहीं बनती, फिर कोई दूसरी जो मज़े वाली हो वो बुला लेते हैं। इसका रायता बना लेना ना। हाँ जी चलो ये काली पीछे काम आ जाए। नहीं मैं ये काली का नहीं है, वो जब वो माफ़ कर रहा है वो क्योंकि साहबा की अम्मी खाती नहीं है वाइट कराई। हाँ तो आसन भाई की बेगम भी नहीं खाती है चिकन, तो वो वैसे ही नहीं खाती है। फिर उनके लिए अलग करना पड़ेगा, इसीलिए जो है ना ऐसा करना दूसरी कढ़ाई बनाएंगे, फिर जब मिसाला भुनेंगे उनके लिए मिसाला निकाल लेना। नहीं नहीं वो उधर है ना, वो वैसे आज ससुराल गई हुई है। चलो फिर तो सही है, फिर दूसरी कढ़ाई बना लेते हैं ना आसन के साथ, मजे से खाएंगे। कितने किलो है चिकन? 3 किलो, काफ़ी है, बहुत है, बड़ी फैमिली है ना, मैंने कहा पूरी हो जाए। ये सिद्रा ये चिकन को वो किसी चीज़ में निकाल के ना उसमें रख दो, नहीं तो छापर में ये हवा कर जाएगा।
और ये सामान भी सारा उठा लो इधर से, नहीं तो ये गिरा देंगे। वो जो टोकरी है ना उसमें रख दो चिकन, बोटिया पकाएंगे आज। बाबा बाबा क्या है? दुआ फातिमा इधर देखो। बाय 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 करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो। नहीं करती है बाय बाय। हाँ जी ऐसे हंसती हो फिर बीमार हो जाती हो, आपको नजर लग जाती है। बाय बाय करो, बाय 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 बाय। दो दांत दिखा रही हो, दो दांत आपके निकले हुए हैं। अच्छा शह के पैसे दो इनको भाई साहब। चलो उधर आपको छोड़ के आऊँ, मिसाला लेके आऊँ। उधर से पैसे लेके आना ना, मेरी जेब तो खाली है ना। हैं चाचू बाबे को बोलो सब पैसे दे। चलो मैं आपके लिए शह ले आऊँ। है ठीक है, क्या शह ले आऊँ? आम नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े हैं। फिर क्या ले? हैं? एक एम। चलो मैं अपनी मर्जी से ले आऊंगा बस। एक पापड़ डबल पापड़। एक पापड़ एक एक पाप एक पापड़ एक बड़ा। एक पापड़ एक वो बर्फी ले आऊंगा। बर्फी हाँ। एक क्या? बर्फी। एक एक पापड़ एक बर्फी। हाँ जी एक पापड़। हाँ जी हाँ जी ओके हो गया। बस 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 ले आऊंगा, बस करो ले आऊंगा। और फुंडी बैठी है वाला बुखार आ रहा है। दादा बाबा 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 अंब अंब बाबा बाबा। एक ही नो वो कहाँ गए बच्चे सारे? ऊपर बाहर तो खड़े थे, इधर चले गए। ये लो ये मिसाला कुछ उधर डालना, बाकी टमाटर प्याज बच्चे जो वो दही लेके आए हैं ना उसमें वो रायता बनाने के लिए। ठीक है हाँ, जो जो चीज बची हुई है वो। चलो ये बच्चों की शह है 10 रुपए इसकी, बाकी एक एक सबकी है। ये तो खाती नहीं है, अभी अभी बेच कर दिया था, ये कम मुझे खिला गई। आपको तो खिला गया ना वो अभी शह पे भाग गई। शह चाहिए? शह शह शह। चलो सही है, मैं फिर खरीद खा के आता हूँ। हैं दो चार बुर्कियाँ चावल की, वो क्या कहते हैं सवाब की। ओके हो गया जब तक ये सामान आप जल्दी जल्दी रेडी करो। क्या कहा फिर मामू वालों ने? मामी आई नहीं थी? आई थी, वो कहती है मैं आ रही हूँ फिर बनाती हूँ। हाँ उसने बोला था मैं थोड़े से चावल खा के आती हूँ फिर बनाती हूँ। चलो सही है, मिलके फिर बना लेना। भाभी तो आज वो मैके चली गई है। वेलकम बैक जी। खैरात जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह खा के आ चुके हैं वापस। तो इधर जो है ना माशाल्लाह सामान रेडी हो रहा है। कचरा ना सटो, तले ले जाओ तले ले जाओ। आज बोटिया पका के आपको खिलाएंगे। क्या पकाएंगे? बोटिया वाले चावल नहीं, सिर्फ बोटिया पकाएंगे। इनको लगता है शायद आज भी बोटिया वाले चावल पक रहे हैं। तले ले जाओ, आ जाओ तले खेलो। सारा सामान काट लिया, पेस्ट बना लिया। बोटे वाले चावल कब बनाए थे कोई पता नहीं है। काफी टाइम काफी अच्छे से बनाए थे, अभी नहीं बनाए। काफी टाइम गुजर गया है मेरे ख्याल। कितना तकरीबन? तकरीबन काफी दो ढाई महीने हो गए। मतलब शादी के बाद से तब बनाया नहीं, शादी के पहले दो तीन हफ्ते पहले बनाया। चलो जी महंगी इसलिए मुर्गी महंगी है, आज भी 600 रुपए किलो मिली है मुर्गी। पहुंच गया हूँ किचन में। ओ, आज तो मामी जान आई बैठी है इधर। हाँ जी आज मैं बना रही हूँ। अच्छा हाँ जी, मैंने कहा आज मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊँ। आज आप हमें चिकन कढ़ाई बना के खिला रही हैं? जी हाँ। असल में हम जो है ना वो लेके आए थे वाइट कढ़ाई का सामान। वो अम्मी अबू और बाकी मारिया सिस्टर और उन्होंने नहीं खाई है। हाँ।
मैंने कहा चलो व्हाइट कढ़ाई बनाएंगे सब खा लेंगे। हाँ जी। फिर वो आपकी अम्मी नहीं खाती है, मामू ने कहा फिर वो दूसरी लाल कढ़ाई बनाओ व्हाइट ना बनाओ। हाँ। चलो फिर कभी बना लेंगे इंशाल्लाह। हाँ वो कहते हैं कि व्हाइट कढ़ाई अगले दिन बनाई थी मजा नहीं आया। मैंने कहा चलो आज लाल बना लेते हैं। बुझ जाएगी। आग मिल के जला रहे हैं। इवे आखो ना भा बलन दी बल वंज। अभी गर्मी है सर्दी नहीं है। जो सर्दियों में आखते थे वो कहते थे बल बलन दी भाग इधर कुर्सी लग गए। इधर कुर्सी लग गए। ये जब जल जाएगी ना फिर। पहले हम बोलते थे कि आग को ना धमकी देते थे कि बल दी है चावा सूखनी। अच्छा सूखनी बल जाती थी। हाँ वो इतना एक पाइप होता था ना। हाँ वो हवा देने वाली। हाँ सही है। उससे जो है ना फिर काम तमाम हो जाता था उसका। डर के मारे फिर जल्दी बल जाती थी। फिर अब वैसे कहो ना जल्दी। अब बल रही है थोड़ी थोड़ी सी टिमक रही है। वो उठा लो। अभी तो लगी ही नहीं है। जब बुझेगी ना लग के फिर सूखनी उठाएंगे। ये वो भी रखी हुई है। क्या ढूंढ रही हो? आटा बना लिया? हाँ। अभी आप क्या कर रही हो? माचिस। क्या आग लगाओगी सबको? सबको नहीं तंदूर में आग जलानी है। तंदूर को आग लगा रही हो? सही है। आप जब तक रोटियां बना लेना ना तो मामी जान इधर चिकन कढ़ाई बना लेगी। जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। वो ख्याल करना हाथ पे ये चिंबड़ भी जाती है। मुझे पता है। मैंने कई बार अपने हाथ जलाया है। ऐसे हम वो स्कूल में जब होते थे ना उस टाइम हम जलाते थे हाथ अपने। हाँ। वो ऐसे छापर वो पिघाल के ना बाल बनाते थे गेंद बनाते थे छोटी सी। बाल बना रहे हैं। पक्की बाल बन जाते थे। देखना। अब मामू ने ट्रिक ओके कर दी है। अब जलेगी आग। सामान आप रेडी करें। कढ़ाई भी आई हुई है और बाकी सामान इधर चिकन भी माशाल्लाह धो के वीआईपी करके रख दिया है। मिसाले इधर छुपाए हुए हैं। मक्खियां बहुत है ना। मक्खियां आजकल मौसम है मक्खियां सिर खा रही हैं हमारा। आ जाओ बिस्मिल्लाह करा मेरे राजा रानी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कल रात को इनको मैंने बुलाया नहीं तो तकरीबन इशा के वक्त इधर बाहर उधर खड़ी हुई थी। आज मैं इनको इसलिए टाइम से बुला आया हूँ। देखें अभी रोशनी खड़ी है। मैंने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ राजा रानी आ जाओ। हाँ ऐसे स्पीड लगाई है। और मज़े की बात यह है आज सिदरा पता ही क्या हुआ। मैं जब इधर गया ना ट्यूबवेल पे नहाने इनको मैंने उधर जाके जैसे ही छोड़ा ना तो ऐसे ऐसे घुटने लगा रही थी। बड़े हम देख के हैरान हो रहे थे। सब हंस हंस के इतनी खुश हो रही थी। ये जैसे हम नहीं खेलते कभी जाएं नहाने तो बड़े से खड्डे में एक दूसरे को हाथ लगाते पकड़ते हैं। ये भी ऐसे एक दूसरे के पीछे ऐसे घूम घूम के ना ऐसे उड़ उड़ के इतनी तेज स्पीड लगाई थी। मैंने कहा बाबा इनकी इतनी तेज स्पीड भी होती है। मैंने तो इनको हाँ मैंने तो इनको देखा है वो आराम से नहाते हुए। उस टाइम मैं मोबाइल नहीं लेके गया था। मोबाइल लेके जाता ना तो वीडियो बना के दिखाता। इतनी स्पीड से ये भाग रही थी खुश हो रही थी ठंडे ताजे पानी में। मैंने कहा कमाल है। मोबाइल होता ना वीडियो बनाता दिखाता आपको। मैं इतना खुश हूँ। इस चीज से हैरान हूँ कि जितनी सर्दी हो धुंध हो कुहीड़ बसरा हो बर्फबारी हो रही हो इनको नहीं रखती। ये बस ये कहती है नहाना है पानी में। फिर पता है क्या करते थे उधर मैं नहाया ना ऐसे गोते लगा लगा के नहा के साफ हो के फिर दो मिनट बाहर खड़ी हो जाती थी फिर घुस जाती थी। अभी वो किचन के दरवाजे में जा रही हैं। इनके जो ऊपर से वो होते हैं ना खंब जिसे बोलते हैं ये इस तरह के होते हैं कि इसमें पानी नहीं जमा होता। वो जैसे ही पानी में जाती हैं ऊपर पानी आता है फिर नीचे बह जाता है। इस वजह से इनको जो वाटर प्रूफ है। वो देखो मामू को कह रही है रोटी खिलाओ। मामू डर रहा। आ जाओ राजा रानी हमारा तो जब बनेगा हम खाएंगे आपको तो खिलाएं पहले पहले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बिस्मिल्लाह करो। हाँ आ जाओ खा जाओ आपके लिए रोटी बना ली है आप इधर खाओ।
मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ राजा रानी साहब, आपकी खिदमत करता हूँ मैं, आप मेरी बात को समझा करें, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ जब तक ये खाएं। हाँ पानी में भर के रखता हूँ, आप ये खाएं इंजॉय करें, मैं पानी भर के आता हूँ आपके लिए। और अम्मी देखें खाना बना रही है रोटी, इधर से पहली पहली एक दो रोटी बनी थी, उस टाइम मैंने उठा के राजा रानी को डाली, क्योंकि ये भूख लगी होती है ना, सुबह खाती हैं और फिर शाम को फिर बच्चों को तंग करती हैं, पीछे भाग जाती हैं बच्चों के करां करां करके। हाँ चलो फिर मैं अभी बना लिया रोटी, बस थोड़ी सी है। चलो फिर अभी मैं उसको पानी रखता हूँ राजा रानी को। कौन आई वदी है? अक्सा बीबी आई वदी है। क्या कर रही वदी? खेती वदी। ये कौन है? कैचुड़िया लाई वदी, चोटिया बनाई वदी, तैयारी भी करती है ना। हाँ आप भी इसी तरह सोनी बना करो ना, तैयारी किया करो। हाँ जी अभी बाहर, अभी अभी बाहर जाओ, पक रही है फिर ले आएंगे फिर खाएंगे। हाँ चलो इधर गर्मी है। हाँ जी सुनाए मामी जान, कहाँ तक पहुँच गई है? बस अभी फ्राई हो रही है। हाँ चलो बाहर चलो, चलो। बच्चों ने सारा शोर मचा दिया, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। मैंने कहा पहले उनको मैं आरे ला के आऊँ फिर काम करेंगे। अभी तक ये भुन ही लग रही है, अभी फ्राई हो रही है। अच्छा चिकन फ्राइड हो रहा है? फ्राइड नहीं, फ्राई। फ्राइड और फ्राई एक जैसा होता है, फ्राइड मतलब हो चुका है। फ्राइड मतलब फ्राइड वो होता है जो धोते हैं, ये फ्राई ये होता है जो हो रहा है। मुझे ये इसका भी अभी नहीं पता, कंफर्म नहीं है। नहीं बोलते हम, ये कहेंगे चिकन धो के अभी भुन रहा है। हाँ बुनाई हो रहा है। नहीं वैसे बोला ना, चिकन गोश्त धोते हैं अली भुजी दाखे। अच्छा भाजी भुनी दी खड़ी है, भाजी भाजी धोते भी भूलती जा रही है, भाजी धोते और भुजी दी खड़ी है, मतलब भुनाई थी नहीं खड़ी है। चिकन तो बड़ा सोना सोना लग रहा है, ऐसे ऐसे कहते हैं भाजी पास गई है, कहना हाली हो भुनाई दी भेजी, चिकन हो गया बनाई, क्या बात है। और अभी जो है ना बनाई हो रहे हैं। हम इंतजार में बैठे, कब आप चिकन कढ़ाई बना के? ये टाइम से बना लेते, अगर उधर खैरात पे ना जाते तो, उधर चले गए ना तो फिर अभी टाइम तो लगेगा। हमारी तो भूख बढ़ती जा रही है फिर। जितना सही है ना, जितना लेट बनेगी उतना फुल भूख लग जाएगी आपको। ऐसा ना हो जैसे हमारे बड़े कहते हैं, अब तो भूख मर गई है। नहीं नहीं भूख नहीं मरेगी। अच्छा हाँ जी, ये बुजुर्गों की मरती है, हम नौजवान है हमारी बढ़ती है। बुजुर्ग जो है हमारे वो ऐसे कहते हैं कि टाइम लेट हो गया हमारी भूख ही मर गई है। वो कहते हैं सारा जे बैठे आए, उड़ू चावल खा लिया, दावत खाते आ गया। चलो अल्लाह खैर करे, खाना रेडी हो गया है। अब जो है ना मामी जान ये चिकन डाल रही है, बिस्मिल्लाह। ये लकड़ियों के उस साइड पे आग ज्यादा है, वो देखें जल गई है सारी। जिस साइड से आग ज्यादा होती है फिर उस तरफ जल जाती है। ये बात तो सही है, अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। फिर कहेंगे कसूर आपका है, आपने क्यों जलने दिया है, आपने नहीं जलने देना था उसको। माशाल्लाह देखो कैसे, अब ये उधर से जो जल गई है उसका जायका नहीं आएगा? नहीं। अच्छा उसका जायका नहीं आएगा। चलो सही है, खुशबू तो बड़ी जबरदस्त लाजवाब आ रही है, जब बनेगी फिर देखें। हाँ इनसे भी ज्यादा
इससे भी बड़ी मजेदार खुशबू आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप मेहनत कर रही हैं तो फिर खाने का मजा भी तो आएगा मेरी मेहनत को। हाँ अल्लाह पाक शेर ही डालेगा इसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो जब पहले मुझे अभी भी याद है बनाया नहीं था जो मेरा दूसरा पहला चैनल बनाया था हाँ। उस पे मैं वो आया था कराची से तो हाँ। कढ़ाई बनाई थी हमने मिलके हाँ। वो अभी मुझे याद है अगर उस वक्त डंडा ना उठाती तो आज ये तक ना पहुंचती। डंडे उठाए थे आपने मुझे मेरे ऊपर उस टाइम जो है ना मामी जान ने मुझसे कढ़ाई बनवाई थी हाँ। वो मतलब बहुत अच्छे की बात है हाँ जी। काफी हल कितने 3 साल गुजर चुके हैं हाँ बिल्कुल। क्या हो गया है क्यों उठी उठी लगा रखी है दही भी डाल दी हाँ जी माशाल्लाह। फिर तो आज लगता है कढ़ाई रो रहा है मेरा मला दुख गया हाँ उसको दवाई लगवाओ ना तो मैंने वो कह रही थी कि दवाई ले आओ चलो सही है ये मुझे उठा दो हाँ ये पेस्ट बच गया है कल डालना लून वो अंदर रखा हुआ है मैं ले आता हूँ माशाल्लाह जी ये देखें चिकन कढ़ाई तैयार कर दी है मामी जान ने ज़बरदस्त टेस्टी ये चेक करें ओ खैर माशाल्लाह। मम्मी अभी बांटने के लिए बैठ गई है और बच्चे इधर खा रहे हैं ये देखें क्या सोच रही है ये तो सो रही थी बुजुर्गों की बातें छेड़ के बैठे हैं मैं तो दुआ फातिमा के साथ बातें कर रहा हूँ हाँ आपको नींद नहीं आई है।